तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग किस तरह से करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो सामान इस पीवीसी बोर्ड में यूज किया है दोस्तों, चार स्विच और चार सॉकेट का यहाँ पे हमने जो है इस्तेमाल किया है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना सामान पे वायरिंग करना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 8वें में पीवीसी का ये बोर्ड और सीट है। दोस्तों अगर यहाँ पे इस पीवीसी बोर्ड को आप जो है दुकान से परचेज करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉप पे कि हमें 8वें में पीवीसी का बोर्ड चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पे जो है इसे आसानी से परचेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो आसानी से बोर्ड भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम फिर से कोशिश करने वाला दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको मैं बताऊँ। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों टाइम कितना गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने जो है कुछ इस तरह से हमने जो है सभी सामान को अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लिया है। आप दोस्तों आसानी से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले इस बॉक्स को हमने जो है साइड कर लिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले इसे पीछे की तरफ हम मोड़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें कनेक्शन करने से पहले कुछ बात को यहाँ पे ध्यान देनी है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार जो है यहाँ पे 5-पिन सॉकेट यहाँ पे हमने जो है यूज किया है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों यहाँ पे 3 टर्मिनल आपको जो है इस 5-पिन सॉकेट में नजर आ रही है, यानी कि 1, 2 और ऊपर जो है 1, 3। यहाँ पे आपको सभी 5-पिन सॉकेट में आपको जो है 3-3 ही टर्मिनल आपको मिलेगी देखने के। पहला आपको जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे हमारा जो है एल है, यहाँ पे हमारा जो है लाइव की वायर जुटेगी, यानी कि यहाँ पे लाइन की वायर को हमें ज्वाइन करें, यानी कि फेस की वायर को। यहाँ पे राइट साइड में आपको जो है यहाँ पे एन मिलेगी, यानी कि यहाँ पे हमें जो है न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट करनी है, यानी यहाँ पे ब्लैक वायर को हमें कनेक्ट करनी है। यहाँ पे जो आप तीसरा टर्मिनल देख रहे हैं यहाँ पे इस एक बजाय बड़ी अर्थ की कनेक्शन यहाँ पे जुड़ती है जो हमारे दोस्तों ये ग्राउंड से जुटेगी। अगर आपके घर में किसी अच्छी कारीगर ने आपके घर की वायरिंग की होगी दोस्तों तो उसमें जो है एक ग्रीन वायर जो है जरूर निकाला होगा। दोस्तों उस वायर को हमें जो है इस वाले टर्मिनल पर, यानी कि यहाँ पे जो है इसे अर्थ वाले टर्मिनल पर हमें जो है इस वायर को कनेक्ट करनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार स्विच भी हमने जो है यूज़ किया है, यानी कि एक स्विच से हमें जो है एक 5-पिन सॉकेट को ऑपरेट करानी है, यानी कि इसी तरह से हमें जो है सभी स्विच से इस 5-पिन सॉकेट को वर्क करानी है। यहाँ पे आपको जो है इस सभी स्विच में आपको जो है 2 टर्मिनल मिलेगी, यानी कि यहाँ पे ये 1-वे स्विच हमने जो है यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहीं पे अगर 2-वे स्विच होता दोस्तों तो यहाँ पे हमें जो है 3 टर्मिनल आपको जो है देखने को मिलती, बट यहाँ पे ये 1-वे स्विच है इसलिए यहाँ पे आपको जो है 2 ही टर्मिनल मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब वायरिंग करते हैं। देखिए वायरिंग करने से पहले यहाँ पे हम जो है कुछ वायर ले लिए हैं जो हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप जो है रेड वायर आप देख रहे हैं दोस्तों, इसे हम फेस के लिए यूज़ करेंगे जो हमारी दोस्तों यहाँ पे स्विच पे हम इसे यूज़ करेंगे। और यहीं पे दोस्तों आप ब्लैक वायर भी देख सकते हैं, इसे हम दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल पे यूज़ करेंगे जो हमारी यहाँ पे राइट साइड में 5-पिन सॉकेट के हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायर को हमें जो है इस वाले टर्मिनल पे, यानी कि अर्थ वाले कनेक्शन पे हमें इस वायर को कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमें जो है दोस्तों इस वायर को यहाँ पे अर्थ वाले टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पे हमें जो है कुछ इस तरह से हमने जो है वायर ले लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और वायरिंग दोस्तों आप आसानी से कर पाए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चार स्विच दिया गया दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों यहाँ पे स्विच में हमें जो है फेस का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, न्यूट्रल की आप जो है कभी भी मत करें। यहाँ पे जब भी आप जो है फेस की कनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है डेढ़ वायर को यहाँ पे जो है कनेक्ट कीजिए और स्विच में दोस्तों यहाँ पे फेस का इस्तेमाल कीजिए। न्यूट्रल की कनेक्शन आप जो है यहाँ पे 5-पिन सॉकेट में इस्तेमाल कीजिए, बेहतर रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले फेस की कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार स्विच आपको जो है नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे चारों स्विच को एक साथ हमें जो है एक दूसरे से कनेक्ट कर देनी, यानी कि हमें जो है चारों स्विच को कॉमन बना लेनी है और किसी एक स्विच पर से आप जो यहाँ पे से एक वायर निकाल सकते हैं जो हमारी डेड वायर होगी दोस्तों। वो हमने 220 वोल्ट सप्लाई की दोस्तों, यहाँ पे इनर वायर होगी, यानी कि यहाँ पे ये लाइव वायर की दोस्तों यहाँ पे इनर वायर होगी, यानी कि फेस वायर की दोस्तों यहाँ पे इनर वायर होगी। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर को दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम टुकड़ा कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से हमें जो है वायर को लगानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है वायर को 3 टुकड़ा यहाँ पे हमने कर लिया है, यानी कि इसे हम स्विच पे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, सभी स्विच को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, यानी कि हमें दोस्तों यहाँ पे कॉमन बना देनी है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्विच का जितना भी नीचे वाला टर्मिनल है दोस्तों यहाँ पे हम सभी को यहाँ पे लूज करते हैं, यानी कि ढीला करते हैं। और दोस्तों इस वायर को हमें जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है। यहाँ पे हमने जो है टर्मिनल को ढीला कर लिया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें इस स्विच से हमें जो है इस वायर को कनेक्ट कर देनी है और दोस्तों यहाँ पे हम इसे टाइट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हमें जो है दोस्तों इसे हमें जो है इस स्विच पे यहाँ पे हमें कनेक्ट करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करें दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक वायर जो है यहाँ पे ले लें और दोस्तों इसे हमें एक साथ यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है फिर से यहाँ पे इस स्विच पे भी सप्लाई देनी है फेस की, तो वहाँ पे हम इस वायर को ले जाएं। चलिए यहाँ पे हम इस वायर को देखें और यहाँ पे इसे हम टाइट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो है, चलिए यहाँ पे हम कुछ इस तरह से वायर को कर लेते हैं।
और चलिए यहाँ पे दोस्तों फिर से एक वायर लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे हमें इस वायर को कनेक्ट कर देनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमें इस टर्मिनल से यहाँ पे हमें इस टर्मिनल में इस वायर को कनेक्ट करनी है, यानी कि जो हमने स्विच में अभी कनेक्ट किया दोस्तों, हमें एक वायर को लेके दोस्तों हमें दूसरा वाला स्विच में दोस्तों यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देनी है। चलिए यहाँ पे हमने जो है कुछ इस तरह से वायर हमने जो है ज्वाइंट कर लिया है। जो आपका लास्ट वायर आपका जो बच जाता है दोस्तों फेस की, इसे हमें जो है लास्ट वाले स्विच पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो है फेस की कनेक्शन हो जाती है, यानी कि तो इस स्विच में हमारी जो है ये फेस की कनेक्शन हो गई है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्विच हम यहाँ पे इस्तेमाल क्यों करते हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। देखिए स्विच का इस्तेमाल हम दोस्तों इसीलिए करते हैं कि किसी भी अप्लायंस को अपनी मर्जी के हिसाब से दोस्तों उसे बंद और चालू करने के लिए यहाँ पे हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। सपोज डेट दोस्तों यहाँ पे अगर हम स्विच नहीं देते, डायरेक्ट यहाँ पे हमारा जाइए पाइप पिन सॉकेट होता, तो यहाँ पर हम 220 वोल्ट सप्लाई यानी कि फेस की और न्यूट्रल की यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इन करा देते। बट यहाँ पे होता क्या दोस्तों, इसका सिचुएशन ये होता कि इस पाइप पिन सॉकेट में दोस्तों हमेशा सप्लाई होती, इसे हम बंद और चालू नहीं कर सकते थे। यहाँ पे बंद करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें जब प्लग को या हमें चार्जर को खींचना पड़ता, जब जाके दोस्तों वो हमारी अप्लायंस है दोस्तों वो बंद हो पाती। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक स्विच का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम इस सॉकेट में जब मर्जी होगी दोस्तों तो यहाँ पे हम इस सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे, और जब मर्जी नहीं होगा दोस्तों इसे हम इस सॉकेट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें सबसे पहले एक रेड वायर हमें फिर से लेनी है, और दोस्तों यहाँ पे हमें 220 वोल्ट सप्लाई की यहाँ पे इनर पॉइंट बनानी है। इस स्विच बोर्ड में दोस्तों यहाँ पे हमें सप्लाई जो है इन करानी है, तो यहाँ पे हमें एक वायर को कनेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पे हमें सप्लाई जो है यहाँ पे इन कराएंगे। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें इस सॉकेट को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे हमें फेस की जरूरत होगी, यानी कि इस सॉकेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव वायर की भी जरूरत है, यानी कि फेस की सप्लाई यहाँ पे इन करानी है, और यहाँ पे न्यूट्रल की भी जरूरत है, यहाँ पे न्यूट्रल की सप्लाई इन करानी है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम फिर से वायर का टुकड़ा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें फेस वायर को देना है, तो देना कहाँ से, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे वाले टर्मिनल पर दोस्तों यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट सप्लाई की यहाँ पे इनर पॉइंट है, यानी यहाँ पे सप्लाई दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है ये इन हो रहा है। तो हम स्विच को इस तरह से यानी कि ये ऑफ है और इस तरह से दबाएंगे दोस्तों, ये ऊपर वाले टर्मिनल से हमारा जाइए सप्लाई यही आउट करेगा। तो अगर यहाँ पे सपोर्ट रेट मानिए यहाँ पे हम 5 पिन सॉकेट को डायरेक्ट रखते तो यहाँ पे हम क्या करते, तो यहाँ पे हम यही करते दोस्तों, इस टर्मिनल से हमें एक वायर को कनेक्ट करके सीधे में जो है नीचे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते। तो दोस्तों ये 5 पिन सॉकेट हमारा जो है ये डायरेक्ट हो जाता, यहाँ पे हमसे डायरेक्ट नहीं करना है, इसे हमें स्विच से वर्क कराना है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे इस एल वाले पॉइंट पर से एक वायर को कनेक्ट करके रेड वायर को यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हम यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पे वायर का इंसुलेशन हटाते हैं, और दोस्तों इस वायर को हमें जो है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमने जो है इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अभी फ्रेंड्स यहाँ पे टर्मिनल को हम अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पे इस वायर को हमें जो है एल वाले पॉइंट पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एल है। तो यहाँ पे लाइव वायर टर्मिनल पे हम इस वायर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी लाइन की टर्मिनल है। चलिए यहाँ पर हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं यानी कि एल वाले पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक सॉकेट में हमारी दोस्तों यहाँ पे फेस की कनेक्शन हो जाती है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हमें जो है सभी सॉकेट में यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें सभी सॉकेट पे देते जानी है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी में दे देते हैं। Thank you.
यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो न्यूट्रल की कनेक्शन जो है सभी सॉकेट में एक दूसरे से कर दिया है। यहाँ पे हमें जो है अब न्यूट्रल की इनर पॉइंट बनानी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो है ब्लैक टर्मिनल आप जो है जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आप किसी भी टर्मिनल से आप जो है यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर दीजिए जो हमारी दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रल की इनर पॉइंट होगी। चलिए यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो है इस टर्मिनल से हम यहाँ पे जो है न्यूट्रल की वायर को कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से हमारे जो है कनेक्शन तो न्यूट्रल फेस की हो जाती है, बात जाती है दोस्तों यहाँ पे अर्थ की कनेक्शन। यहाँ पे बड़ी अर्थ की कनेक्शन हमें जो है सभी में दे देनी है ताकि जब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट हो दोस्तों तो हमारे जो है यहाँ पे MCB को ट्रिप कर दे दोस्तों, यानी कि फेस और न्यूट्रल दोस्तों एक साथ अटैच होगी तो हमारे जो है यहाँ पे ये हमारे दोस्तों यहाँ पे MCB को ट्रिप कर देगी। यहाँ पे हमें जो है एक ग्रीन वायर लेनी है दोस्तों और यहाँ पे जितना भी टर्मिनल आपको जो है ऊपर वाला देख रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो है एक दूसरे से सभी को शॉर्ट कर देनी है। तो यहाँ पे एक हमें जो है ग्रीन वायर लेनी है दोस्तों और यहाँ पे हमें ऊपर वाले टर्मिनल पे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे जो हमारे दोस्तों यहाँ पे अर्थ की इनर पॉइंट हुई, तो जो हमारी ग्राउंड से वायर आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ दोस्तों, अभी जो हमने आपको वायरिंग करना सिखाया दोस्तों ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको लाइव टेस्ट करा के मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है इस एक्सटेंशन बोर्ड में सप्लाई जो है दे दिया है, चलिए मैं आपको ट्रायल करके दिखाता हूँ दोस्तों ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये वर्क कर रहा है और फ्रेंड्स यहाँ पे इसे ऑफ करते हैं, देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन भी हो रहा है, ये ऑफ हो गया। तो यहाँ पे सभी सॉकेट मैं आपको ट्रायल करके दिखा देता हूँ एक एक करके। ये देखिए ये भी वर्क कर रहा है साथ, फ्रेंड्स यहाँ पे ये सॉकेट भी यहाँ पे ये वर्क करेगा, देखिए ये देखिए ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे लास्ट वाला है तो यहाँ पे ये भी देखिए ये भी पूरी तरह से ये वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपको मैं वायरिंग करना सिखाया दोस्तों ये पूरी तरह से सक्सेसफुल है और ये पूरी तरह से ये वर्क भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स आई होप कि दोस्तों आप लोग को ये वायरिंग जो है पूरी तरह से समझ आ गई होगी दोस्तों। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, साथ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू लेटेस्ट आने वाली वीडियोज होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।